देखिए, निश्चित तौर पर इनकाउंटर जिस भाषा में जो समझता है उस भाषा में समझाना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आज अपराध आतंकवाद को रोकने के लिए आज पुलिस को पूरी छूट मिली हुई भी है और पूरी छूट के साथ वो काम करे। आज कम से कम इस सुशासन की सरकार में देश के अंदर, राज्य के अंदर पुलिस पर कोई दबाव नहीं है। जो आतंकवाद, अपराध, भ्रष्टाचार को बचाने का काम करते हैं, वैसे लोगों को भी उजागर करके जेल के अंदर उनको बंद करना चाहिए और इस तरह के अपराधियों को त्वरित कर्म का फल मिलना चाहिए। बिहार में भी इस तरह का निश्चित तौर पर, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहे हैं और सुशासन में आपने देखा है NDA 1 में इनकाउंटर हुआ है कई अपराधियों को, और इसकी ज़रूरत भी है, इसकी आज ज़रूरत भी है। इससे लोगों को दबिश बढ़ाने का, कुछ लोग इसके मनोबल, पुलिस के मनोबल को तोड़ने के लिए कई कई रूप में असहिष्णुता की बात करने लगेंगे, तथा कथित बुद्धिजीवी कई तरह की भाषा बोलने लगेंगे। वैसे लोगों को शर्म लगनी चाहिए। आज मानवता की रक्षा के लिए, सराफत इंसानियत की रक्षा के लिए ऐसे लोगों के साथ जिस भाषा में समझता है समझाना चाहिए। देखिए, उन चारों आरोपियों को जो उस रेप केस के आरोपी थे, उनको जगह की पहचान करने पुलिस ने ले गया था और वो भागना चाहते थे। उस भागने के क्रम में इनकाउंटर में वो मारे गए। और ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी पहुंच वाला अपराधी हो। इस प्रकार का कुकर्म करने वाला, इस प्रकार का संज्ञेय अपराध करने वाले व्यक्ति को किसी कीमत पर कोई बख्शा नहीं जाए और न बकसना चाहिए। बिहार में भी छूट मिले जरूर, बिहार में इस प्रकार की घटनाएं जो होती है उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। पहले भी आपने देखा होगा कि अपराधियों को इसी सरकार में 1.5 लाख अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने का काम किया है। ऐसे कई घटनाएं जो इस प्रकार की घटनाएं हुई है, उसमें चाहे गया में रेप केस का घटना विदेशी महिला के साथ हुआ, त्वरित कर करके 40 दिनों के अंदर में उसको सजा दिलाया गया। ऐसी घटनाएं, 2-3 घटनाएं हाल के दिनों में चाहे बक्सर और समस्तीपुर में हुआ है, उसको अपराधियों को खोज कर करके प्रशासन स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सख्त सजा दिलाने का काम करेगी। क्या लगता है मैडम, जिस तरह से इनकाउंटर हुआ, आप क्या लगता है? देखिए, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन विधि सम्मत। कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। कानून जो तय करती है उसके मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। क्या माना जाए, इनकाउंटर हुआ है, क्या इसकी जांच होगी? इसकी जांच होगी कि किस परिस्थिति में इनकाउंटर किया गया, जांच होना जरूरी है। दोषी को सजा मिलनी है, लेकिन कानून हाथ में लेने का किसी को इजाज़त नहीं है। विधि सम्मत जो न्याय मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, इसकी जांच होनी। हैदराबाद पुलिस के प्रति पूरा देश आभार व्यक्त करता है और आज पूरा देश इस चीज़ के लिए प्रफुल्लित है कि इस तरह के अपराधियों को, हमारी बहु बेटी की इज्जतों को जो नहीं समझते हैं, जो ये लुटेरे हैं, वैसे लोगों को बस इसी प्रकार की सज़ा की आवश्यकता है। और यह आवश्यकता सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, अन्य जगह भी, जिन जगह पर भी इस धर्म की जघन्य अपराध होता है, उसे इसी तरह की सज़ा मिलने अति आवश्यक है। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। राम शोभा सिंह।